अपनी बायोपिक को लेकर काजोल ने दिया बड़ा बयान। जानिए क्या कहा। बॉलीवुड में फिलहाल बायोपिक का दौर जारी है। हाल ही में संजू के बाद सितारों से उनकी बायोपिक को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। बेहतरीन एक्ट्रेस काजोल भी इससे अछूती नहीं रही है। हाल ही में जब उनसे उनकी बायोपिक के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस बारे में अपनी बात खुल कर रखी। काजोल ने कहा वो नहीं चाहती कि उनकी जिंदगी पर कोई फिल्म बने। काजोल आइकॉनिक ब्रांड अवार्ड 2018 के दौरान मीडिया से बातचीत कर रही थी। जब उनसे उनकी बायोपिक के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी पर कोई फिल्म बनाए। मेरा मानना है कि मैं जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ वैसी जी रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी बायोपिक जी रही हूँ। बता दें काजोल बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुजा की बेटी हैं। 1992 में उन्होंने फिल्म बेखुदी के जरिए बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस कदम रखा था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी शानदार फिल्मों में उन्होंने काबिले तारीफ अदाकारी की। काजोल को आइकॉनिक पावर हाउस परफॉर्मर ऑफ बॉलीवुड खिताब से नवाजा गया। उन्होंने इस वक्त यह भी जाहिर किया कि वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। हालांकि कई लोग उन्हें कई तरह की बातें कहते हैं, जैसे यह करो वो मत करो, पर किसी बात का उन्हें अफसोस नहीं है। जहां तक काजोल की फिल्मों की बात है तो वो जल्द ही अपने पति अजय के साथ फिल्म करते नजर आ सकती हैं। बॉलीवुड बाबल पर बॉलीवुड की ऐसी ही खबरों का आनंद लेते रहिए।